राजस्थान प्रेसिडेंट अनूप अस्थाना। अभी हम लोग यहाँ स्नो बेसबॉल के लिए आए हुए हैं जो कि खेलो इंडिया के तहत होने वाला है, और जो अभी आके हमको एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे कभी स्नो के ऊपर नहीं खेले हैं। आइस को देख के लिए बच्चे बड़े एक्साइटमेंट हैं और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। एक नया गेम है हमारे लिए, क्योंकि बेसबॉल से तो लगभग मैं बेसबॉल से जुड़ा हुआ हूँ। अभी बेसबॉल के अंदर मैं बैट फेडरेशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हूँ, लेकिन यहाँ के हमको एक नया अचीवमेंट देखने को मिल रहा है, और इस गेम को भी हम बहुत आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स फेडरेशन एसोसिएशन की तरफ से भी मोदी सरकार खेलो इंडिया के तहत भी ये जब स्नो गेम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, हम इसको आगे लाएंगे। और उसमें अभी फिदार सर से हमारी बात हुई है, इसमें हमको कुछ चेंज करना है, जैसे कि बॉल का कलर, क्योंकि अभी ये वाइट बॉल है हमारी, जो बच्चों को शायद काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, तो बच्चों को दिखाई नहीं दे रही बॉल, इसलिए अभी आपने देखा कि हमने कुछ बॉल को कलर किया है। नेक्स्ट टाइम हम इसमें चॉइस करते हैं आपस में बैठ के कि क्या कलर हम इसमें यूज़ करें, और बच्चे भी बहुत खुश हैं, माहौल भी अच्छा है, ऊपर वाले ने सब बच्चों को स्नो फॉल भी देखने को दिया है, क्योंकि देखा जाता है ये किस्मत वालों को ही मिलता है। बच्चे अपने आप को बड़ी लकी मान रहे हैं, बच्चे इतना महसूस कर रहे थे कि मेरे जैसे सर का कहना था कि बच्चों को सर्दी लगी है, लेकिन बच्चे कह रहे नहीं सर सर्दी नहीं लग रही, हम फुल एंजॉय कर रहे हैं, इस पर एंजॉयमेंट फुल मजे ले रहे हैं।